नमस्ते, मेरा नाम सलोनी वर्मा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आई है और ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मैं जमशेदपुर में पैदा हुई थी पर मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में पूरी की थी विद बीए ऑनर्स इन इंग्लिश हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और 2019 में मैंने अपना पहला प्रयास दिया था जिसमें मुझे असफलता प्राप्त हुई थी प्रीलिम्स में ही, और ये मेरा दूसरा प्रयास था और ये वाला तो खैर सक्सेसफुल हो गया है। अब इस वीडियो में मैं अपनी ऑप्शनल की जो स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहला तो यही बताऊंगी मैंने क्यों चुना PSIR, बिकॉज मेरा जो ग्रेजुएशन था वो इंग्लिश ऑनर्स में था, अंग्रेजी साहित्य में। तो देखिए, दो रीजंस हैं जो बिल्कुल रियल रीजंस हैं। पहला तो ये कि कॉलेज के 3 साल मुझे नहीं लगता मैंने अंग्रेजी साहित्य में इतना ध्यान दिया या इतने अच्छे से पढ़ाई की कि मेरा बेस उसमें अच्छा हो। तो मुझे पता था अगर मैं अंग्रेजी साहित्य चुनती हूँ तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी एक नए ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेने में करनी पड़ेगी। ऊप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की, इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। और दूसरा ये कि PSIR में ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, GS2 स्पेशली एंड इवन GS4 GS1 में भी काफ़ी ओवरलैप होता है। तो मुझे लगा शायद इससे मुझे बाकी पेपर्स में भी फ़ायदा हो। और तीसरा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी था कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद था। मैंने अपने कॉलेज के टाइम में 2 सेमेस्टर्स में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा था, तो इसमें एक रुचि भी थी और इन वजहों के कारण मैंने PSIR चुना। अब जो दूसरी चीज़ है कि मैंने इस सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। ये एक रिस्क था बट एक कैलकुलेटेड रिस्क था। मुझे पता है कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था और ज़्यादातर लोग रेकमेंड करते हैं कि आप इसमें किसी इंस्टीट्यूट से या किसी टीचर से हेल्प लीजिए, बट कोचिंग ना लेने के मेरे बहुत कारण थे और मैं उन पे काफ़ी फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि ऑप्शनल के लिए आपको लेना ही पड़ता है कोचिंग। तो आई होप शायद इस वीडियो के द्वारा कुछ ऐसा मिथ टूटे। पहला तो ये कि मैं बहुत खुशनसीब थी कि मेरे काफ़ी दोस्त थे जो मेरे कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के टॉपर्स थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो मेरी हर तरह से मदद कर देंगे अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं कहीं भी अटक गई। तो मैं बहुत खुशनसीब थी कि वो थे और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी मैं उनसे पूछ लेती थी। दूसरा कि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली जो पिछले साल के प्रश्न पत्र थे या फिर जो भी ट्रेंड्स रहे अब तक PSIR, मैंने वो बहुत ध्यान से पढ़े। मैंने किताब खरीदी थी प्रीवियस ईयर पेपर्स की जिसमें सॉल्व्ड होते थे, सारे जवाब भी होते थे, वो पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब्जेक्ट। मुझे लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने 2 सेमेस्टर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा भी था। तो ये 2 मेन जाए थी जो मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिकल साइंस में कोचिंग नहीं लूंगी अपने लिए। DKT UPSC CSE, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। अब मैंने शुरुआत कैसे की, तो जब मैंने तैयारी अच्छे से शुरू की जो कि जून 2019 था, मैंने डिसाइड किया था कि मेरा मेंस का जो सिलेबस है कम से कम एक बार हो जाना चाहिए जनवरी 2020 तक। तो जून से लेके अक्टूबर तक तो मैं GS पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ऑप्शनल पे भी ध्यान देते हैं। तो अक्टूबर से लेके जनवरी 2020, अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक मैंने फोकस किया था PSIR पे। अब कैसे किया था मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट गई, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर करके एक मार्केट है, वहाँ से मैंने नोट्स उठाए PSIR के, किसी प्रीवियस ईयर टॉपर के नोट्स थे वो, पहले मैंने उनको पढ़ा ताकि मुझे एक जो कहते हैं ना बड़ा ओवरव्यू मिल जाए, मुझे पहले वो मिल गया।
फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं खुद के नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जब आप किसी और के नोट्स पढ़ते हैं आप उनके नज़रिए से वो सब्जेक्ट देख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास वक्त है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब नोट्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो वो जो टॉपर के नोट्स थे वो मेरे पास थे ही एज अ बेस। दूसरा, मैंने इग्नू के जो PDFs होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल थे इंटरनेट पे, तो मैंने वो निकाले और उनमें से कुछ टॉपिक्स, स्पेशली पेपर वन पार्ट वन के जो थिंकर्स और थ्योरीज हैं, मैंने वो इग्नू के PDF से ही किए। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर क्या हुआ कि पेपर वन पार्ट वन जो कि स्टैटिक होता है उसके मेरे पास बहुत बल्कि लंबे से नोट्स थे, और पेपर टू पार्ट वन जो है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जो भी स्टैटिक है उसके भी मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। और कुछ भी फिर से बोलना चाहूँगी, कुछ भी अगर मुझे संकोच होता था या कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत खुशनसीब थी, मेरे को दोस्त थे जो मेरे को मदद कर देते थे। बट यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ थे जिनको मैं देखती थी मदद लेने के लिए। एक चैनल है आई थिंक ओनली IAS, उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है जिनसे मुझे काफ़ी मदद मिली PSIR में। तो दिसंबर तक मेरे एक रफ नोट्स बन गए थे ऑफ द स्टैटिक पार्ट। तो मैंने सोचा था कि जो करंट पार्ट है पेपर वन का भी और पेपर टू का भी, अब उसमें GS से डिफ्रेंशिएट करना, स्पेशली GS पेपर टू से डिफ्रेंशिएट करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसमें मैंने क्या किया कि जब मेरा GS टू का भी सिलेबस हो चुका था और अब PSIR पे मैं आ गई थी, मैंने सोचा मैं GS टू के क्वेश्चन उठाऊंगी, पहले उनको GS के तरह लिखूंगी और फिर उसी वक्त उसको ऐसे लिखूंगी जैसे मैं ऑप्शनल में वो सेम क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो क्योंकि मैं वो सेम सवाल को अटेम्प्ट करती थी तो मुझे देखने को मिलता था कि अच्छा क्या मैं कर पा रही हूँ दोनों को अलग एक दूसरे से, क्योंकि GS और ऑप्शनल में एक अलग अप्रोच चाहिए होती है। और क्या वो अप्रोच है मैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करूँगी। तो सब लोग कहते थे कि बहुत सारे आपको स्कॉलर्स के नाम निकले हैं लिखने हैं, बहुत सारी किताबों को मेंशन करना है, पर किसी वजह से मेरे से वो ना ठीक से याद नहीं हो पाते थे। तो ऑफकोर्स आई फोकस्ड ऑन स्कॉलर्स एंड बिल्कुल मैंने भी किताबों के नाम लिखे, बट वो मैं नंबर ज़्यादा नहीं लिखती थी। ये नहीं कि हर पैराग्राफ में अब कोई नया स्कॉलर डाल रहे हैं या फिर कोई नई किताब। अगर मैं जैसे एक 150 वर्ड्स का आंसर है मान लीजिए प्लेटोज एलेग्री ऑफ द केव पे, तो भले एक दो मैंने स्कॉलर या कुछ मेंशन कर लिए, मेरा ज़्यादा जो फोकस होता था वो था कि मैं कैसे इसको अपने शब्दों में समझा पाऊँ, कैसे इसको अपने नज़रिए से बताऊँ। और एक चीज़ जो मैं बहुत मतलब कोशिश करती थी करने का स्पेशली पेपर वन में, कि एक कंटेम्प्ररी पर्स्पेक्टिव दूँ, स्पेशली जो थिंकर्स हैं हमारे अरिस्टोटल हैं, हैना अरेंट हैं, उनको कैसे मैं आज के टाइम में जोड़ सकूँ। तो ये एक शायद ये मेरे को हेल्प कर गया था। और पेपर टू जो है IR, उसमें भी स्कॉलर्स और थ्योरीज तो ठीक है, बट मैं ज़्यादा कोशिश करती थी कैसे मैं इसको अपने शब्दों में एक एनालिसिस दूँ। ये इतना फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल है इंडिया और इसराइल के बीच जो रिश्ते हैं उसके बारे में, तो ये सबको पता है कि ठीक है हिस्ट्री क्या थी, अभी क्या स्टेज है, फ्यूचर में क्या इम्प्लीकेशन है, बट मैं कोशिश करती थी कि कैसे इसको एक जैसे अपना एक नज़रिया दे सकूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया इसराइल में बोलती थी कि इस रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दिखा रहे हैं कि भारत जो है बिल्कुल रिजिड माइंडसेट से नहीं अप्रोच कर रहा है अपनी रणनीति को, जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, भारत केस बाय केस बेसिस पे जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्कॉलर्स वगैरह अगर हम ना भी मेंशन करें, अगर हम अपना नज़रिया लाएँ तो शायद वो हेल्प कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे को मदद की हो। जो एक और बात मैंने की, मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने विजन IAS की PSIR टेस्ट सीरीज फॉलो की थी और मैंने वहाँ 3-4 मॉक्स लिखे होंगे। तो मॉक्स शायद मैंने कम लिखे, बट मैं मोस्टली जो पिछले साल के प्रश्न थे उसका अच्छे से प्रैक्टिस करती थी। मैंने किताब खरीदी थी जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें सॉल्व्ड होते थे हर पेपर के 5-6 साल तक के सवाल। तो उससे इनफैक्ट वो इतना अच्छा मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बैंक भी था और मैं उसको प्रैक्टिस भी करती थी। तो ये आंसर राइटिंग के लिए मैंने यही किया था। और आंसर राइटिंग PSIR मैंने वही जो जैसे मैंने बताया, पहले GS2 के कुछ सवाल उठाती थी और उसको लिखने की कोशिश करती थी। और प्रॉपर ये जो पेपर सॉल्विंग तभी हुई जब एक बार सिलेबस मेरा ख़त्म हो चुका था। और बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि हमारा कोविड की वजह से एग्ज़ाम भी आगे बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे थोड़ा और वक्त मिल गया। तो मार्च में जब हमारा एग्ज़ाम आगे बढ़ा तो मैंने अप्रैल और मई फिर से सिर्फ PSIR को दिया। इसमें मैंने क्या किया कि अपने जो नोट्स थे, मैंने जो आपको बताया जो थोड़े बल्कि थे, मैं उनको छोटा करते गई, उनको कंप्रेस करते गई अपनी अंडरस्टैंडिंग से। क्या होता है कि जब आप एक बार कोई मटीरियल पढ़ते हैं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जल्दी रजिस्टर हो जाती हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हैं तो वो चीज़ें आप स्किप कर देते हैं और जो नहीं आपको याद आ रहा वो लिखते हैं।
इसलिए मैं यही एक सलाह देना चाहूंगी कि आप खुद के नोट्स बनाएं, वो तभी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से वो बन पाएगा। और PSIR में मेरा जो स्कोर है वो 260 है, जो इस साल के हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो बस इस सब्जेक्ट में मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू डू वेल।